नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो और टैग मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत ही खास कमांड क्रॉस रेफरेंस से रिलेटेड है। क्रॉस रेफरेंस दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी कमांड में से होती है, जो बेसिकली नॉर्मली वर्क के अलावा इंटरव्यूज में काफ़ी पूछी जाने वाली और क्या कहते हैं कि काफ़ी यूजफुल कमांड मानी जाती है। क्रॉस रेफरेंस देखो, जैसे नाम से इसके बारे में हमें समझ में आ रहा है, ये बेसिकली रेफरेंस स्पेसिफाई करने के लिए कमांड यूज होती है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स के अंदर। तो हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और वहीं पर हम लोग एज ए प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और हॉस्ट अनुज और मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और सीखते हैं हम लोग क्रॉस रेफरेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा कि क्रॉस रेफरेंस बहुत ही यूजफुल कमांड है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारे एग्जामिनेशन इंटरव्यूज वगैरह में ये काफ़ी पूछे जाने वाली कमांड, मैं फोर्सली बोल रहा हूँ इस चीज़ को, तो आप इसको ध्यान से स्टडी करिएगा। हम लोग आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिलहाल जो मैंने ओपन किया है इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो नेचुरली है रेफरेंस वगैरह कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर रेफरेंस कैसे मैनेज किया जाएगा, तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर कई ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे हाइपरलिंक हो सकता है, बुकमार्क के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एंड नोट फुट नोट वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बुकमार्क और हाइपरलिंक वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। मैं आपको क्रॉस रेफरेंस स्टडी करा रहा हूँ, लेकिन हाइपरलिंक और बुकमार्क के अलावा नहीं। हाइपरलिंक और बुकमार्क के अलावा फिर कभी हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो नॉर्मली सीख रहे हैं कि किस तरह से एक्चुअल में किस तरह लिंक स्पेसिफाई किए जाते हैं एक फाइल के अंदर, किस तरह से हम लोग क्रॉस रेफरेंस को मैनेज करते हैं, कैसे हम लोग रेफरेंस यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला हमारा जो वर्क है, जैसे हमारी इस फाइल में फिलहाल आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही पेज अवेलेबल है, ब्लैंक पेज है हमारे पास। तो पहले पेज पे हमें रेफरेंस शो करने होंगे, तो आप पहले पेज पे कोई डेटा कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए, पहला पेज हमारा पूरी तरह से ब्लैंक होना चाहिए, जैसे ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं। तो अब मुझे नया पेज इंसर्ट करना है, तो आप नए पेज इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू से जाके आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके भी आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं दो तीन पेज यहाँ पे इकट्ठे इंसर्ट कर लेता हूँ, ये कंट्रोल एंटर प्रेस किया मैंने और फिर से कंट्रोल एंटर प्रेस किया। इस तरह से हमारी इस फाइल के अंदर फोर पेजेस इंसर्ट हो चुके हैं, और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहला पेज आपको ब्लैंक रखना है, सेकंड पेज से आपको अपना डेटा स्पेसिफाई करना है जिसको हम लोग रेफरेंस के थ्रू मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको एक रफली प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, जिसमें ज़्यादा डेटा तो हम लोग मैनेज नहीं करेंगे लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा, क्योंकि वरना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करें, तो आप क्या करें दोस्तों, किस तरह से प्रैक्टिकली करके देखें, जैसे नॉर्मली हमारी बुक्स वगैरह होती है, बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, लेसन्स, बुक्स के अंदर हम टाइटल स्पेसिफाई करते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनकी डिटेल होती है, उस तरह के जो टाइटल्स के लिए या फिर चैप्टर के नेम वगैरह के लिए रेफरेंस हम लोग पहले पेज के ऊपर एज ए इंडेक्स वगैरह, जैसे हम लोग इंडेक्स मैनेज करते हैं, इंडेक्स के लिए हालांकि हमारी अलग कमांड होती है, लेकिन हम लोग वहाँ पर भी अपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्विच करने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते थे, एक लिंक पर क्लिक करके दूसरी फाइल पहुंचना है, इसी तरह से सेम फाइल के अंदर किसी पर्टिकुलर लिंक पर अगर पहुंचना है तो हम क्रॉस रेफरेंस वो लिंक स्पेसिफाई करते हैं। तो कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको एक रफली कंटेंट आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा होता है, मैंने सपोज स्पेसिफाई किया, ये डाला मैंने इनपुट डिवाइसेस, और ये मैंने कुछ इसके बारे में यहाँ पे डेटा टाइप कर लिया है, ये रफ डेटा है, आप इसको पढ़ने की कोशिश मत करना। ये मैंने पहले पेज के ऊपर डेटा डाला, इसलिए मैंने जो हमारा नेक्स्ट पेज था कुछ डेटा मैं अपने पेज नंबर टू पे डाल लेता हूँ। यहाँ सपोज मैंने डाला आउटपुट डिवाइसेस, और ये मैंने आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ कंटेंट कुछ डेटा टाइप किया। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ये तो फिलहाल हम लोगों को रेफरेंस मैनेज करने हैं उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये फिलहाल मैंने दो पेज बनाए, दोनों पेज पे मैंने ये कुछ कंटेंट टाइप कर दिए। अब मैं एक हेडिंग, ये बेसिकली क्या है हमारे, ये हेडिंग्स है, ये हेडिंग है इनपुट डिवाइस फर्स्ट हेडिंग और इनपुट डिवाइस हमारा सेकेंड हेडिंग। हम अगर और भी हेडिंग कोई बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं सेकेंड पेज पर सपोज एक और हेडिंग बना लेता हूँ,
ये लिया मैंने मेमोरी के लिए और ये मैंने टाइप कर दिया। इस तरह से हमारा कंटेंट हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब हम लोग इन तीनों के तीनों हेडिंग को हेडिंग स्पेसिफाई करेंगे। कैसे आप लोग सिलेक्शन करें तीनों को, आप क्या करें, पहले हेडिंग को सेलेक्ट करने के साथ साथ अगर आप दूसरा हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो पहला अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो आप इकट्ठा ही तीनों को सेलेक्ट करने के लिए क्या करें, कंट्रोल बटन प्रेस कर लें, पहला हेडिंग सेलेक्ट हो गया दोस्तों, इसी तरह से आप दूसरा हेडिंग भी सेलेक्ट कर लेंगे और इसी तरह से आप तीसरा हेडिंग भी सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी आपके पास हेडिंग्स है सब आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद क्या करना है, आप होम मेन्यू में जाइएगा, होम रिबन, और यहाँ से हेडिंग इनको बनाइएगा। हेडिंग वन आप लीजिएगा क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड हेडिंग वन हेडिंग है, यानी कि आप लेवल के हिसाब से देखें तो हेडिंग नंबर हेडिंग वन लीजिएगा आप लोग। हेडिंग वन डालते ही आप देखेंगे हमारे तीनों के तीनों हेडिंग हेडिंग स्टाइल में ऑटोमेटिकली बन गए हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपने पहले पेज जिसको हमने ब्लैंक रखा था वहां पे कर्सर लेके आए और इंसर्ट मेनू से आप क्रॉस रेफरेंस यूज कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस को यूज करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू का भी रिबन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रेफरेंस रिबन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरेंस के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ से आप क्रॉस रेफरेंस कमांड मिल जाती है, क्योंकि मैं आपको फिलहाल इंसर्ट मेन्यू में ही हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में हमने देखा हाइपरलिंक और बुकमार्क शेड्यूल किया था, तो मैं क्रॉस रेफरेंस आपको यहीं से ही सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करना है। क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करने के बाद देखो इस विंडो में हम देख रहे हैं यहाँ कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग हेडिंग के लिए बना रहे हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का जो टाइप है दोस्तों, ये जो विंडो हमारे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें दिया है रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप से आप क्या करेंगे, यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं हेडिंग के लिए बना रहा हूँ। जैसे मैंने हेडिंग सेलेक्ट किया दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, ये हमने तीन हेडिंग बनाए थे, तीनों के तीनों हेडिंग यहाँ पे शो हो गए हैं। तो ये हम चेक कर सकते हैं इस तरह से अगर हम लोग चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उसी में मैं इसका रेफरेंस सेट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ये फिलहाल कोई कंटेंट वगैरह नहीं थे तो ये मैंने एक टेबल बनाई और यहाँ मैं कुछ हेडिंग वगैरह डाल लेता हूँ। जैसे मैंने सीरियल नंबर डाला और वो मेरे टॉपिक्स हैं या हेडिंग्स भी आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये हेडिंग डाल दिया टॉपिक और पेज नंबर भी हम स्पेसिफाई करके देखेंगे, ये हमने लिया पेज। और सीरियल नंबर आप मैनुअली टाइप कर लें, ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अपने टेबल वगैरह मैनेज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने टेबल के ऊपर एक हेडिंग भी डाल सकते हैं ताकि हमें पता लगे बेसिकली ये क्या है। तो हमने टाइप कर दिया कंटेंट्स और आप टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह कुछ तरह हेडिंग बना सकते हो। ये मैंने एक हेडिंग स्पेसिफाई किया, इसके बाद ये हमने टॉपिक शो करने हैं और पेज नंबर शो करने हैं। जी जहाँ पे टॉपिक शो करने हैं इट मीन्स यहाँ पे हेडिंग्स आएंगे हमारे रेफरेंस के थ्रू। तो आप वापस इंसर्ट जाएंगे और क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखिएगा इस डायलॉग बॉक्स से हमने हेडिंग अभी आपको शो करके दिखाए थे, ये हमने लिया इनपुट डिवाइस। हेडिंग के ठीक सामने इंसर्ट रेफरेंस टू, यहाँ से आप हेडिंग टेक्स्ट रखेंगे और ये इनपुट डिवाइस को सेलेक्ट किया हमने और इंसर्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे टेबल के अंदर इनपुट डिवाइस ऐड हो गया है। इसी तरह से आपने चेंज कर लिया, हमने दूसरा सेल और आउटपुट डिवाइस को सेलेक्ट किया, इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। इसी तरह से हमने तीसरा रेफरेंस सेलेक्ट किया मेमोरी और इसको भी हमने इंसर्ट किया। इसी के बाद हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के ठीक सामने यानी कि पेज नंबर शो करना हमें, तो आप क्या करेंगे इंसर्ट रेफरेंस के लिए आप सबसे पहले, क्योंकि इनपुट डिवाइस का पेज नंबर चाहिए तो इनपुट डिवाइस को आप सेलेक्ट करें और हेडिंग, ये जो हेडिंग टेक्स्ट है इसको चेंज करेंगे आप लेंगे पेज नंबर और यहाँ हमने इंसर्ट किया पेज नंबर। इसी तरह से आउटपुट डिवाइस को आप सेलेक्ट करें, आउटपुट डिवाइस के लिए पेज नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली शो हो गया, आप यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे। ये सॉरी दोस्तों, ये हमने क्या करेंगे, हाँ पोजीशन भी चेंज करनी है, पोजीशन चेंज नहीं होगी तो गलत हो जाएगा। ये पोजीशन चेंज किया कि आउटपुट डिवाइस का पेज नंबर हमें आउटपुट डिवाइस के सामने शो होना चाहिए, तो आउटपुट डिवाइस को सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, मैं मेमोरी को सामने शो कर लेता हूँ एक बार। ये मेमोरी के सामने आया हमारा और आउटपुट डिवाइस को भी हमने वापस सेलेक्ट करके इंसर्ट किया। ये देखिएगा इस बार इंसर्ट हो गया, तो इनपुट डिवाइस के सामने पेज नंबर आ गया, आउटपुट डिवाइस के सामने आ, मेमोरी के सामने आ गया। इस तरह से हमारा रेफरेंस सेट हुआ और ये हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया।
टेबल की जो हेडिंग है हमारी, उस हेडिंग को आप अपनी जरूरत के हिसाब से, देखो मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया इसको। अब देखो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ये रेफरेंस है बेसिकली, और इन्हीं रेफरेंस का यूज करके हम लोग उसी पोजिशन में डायरेक्टली पहुंच सकते हैं जिस पोजिशन पर हमारे ये टॉपिक डिस्क्राइब है हमारी इस फाइल के अंदर। तो यूज देखो लिंक ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक से आप वहाँ पहुंचेंगे। देखो मैं इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, आप कंट्रोल बटन दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखो इनपुट डिवाइस पे हमारा माउस पॉइंटर पहुंच गया है। तो इस तरह से हम लोग अपने रेफरेंस, आप अपने रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेज नंबर का भी आप यूज कर सकते हो, पेज नंबर भी एक लिंक ही है बेसिकली ये, आप यहाँ भी कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमारा टॉपिक डिस्क्राइब है। तो इस तरह से क्रॉस रेफरेंस का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये जितने भी आप कंटेंट देख रहे हैं सारे कंटेंट बेसिकली हाइपरलिंक है, जैसे हाइपरलिंक के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था, यहाँ पर भी उसी तरह के लिंक बन गए हैं और अपने फाइल के अंदर हम कहीं पर भी स्विच कर सकते हैं जहाँ पर भी हमारा ये रेफरेंस स्पेसिफाइड है, जहाँ पे इसके कंटेंट को डिस्क्राइब किया गया दोस्तों। तो इस तरह से आप उन्हें क्रॉस रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में बुकमार्क वगैरह और भी कई तरीके की फैसिलिटी है जिसको हम लोग रेफरेंस बना सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है दोस्तों। इसको आप स्टडी करिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाएं और वहाँ पे अपना कमेंट ज़रूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं आप, उसको मत भूलें, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं। थैंक यू और नमस्कार दोस्तों।